हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है कला क्षेत्र से जुड़े घटना चक्र पर, यानी कि करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि 2020, 2021 या पीछे हम देखें 2019 या 18 में जो भी कला जगत से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, किसी को कोई बड़ा अवार्ड मिला है या किसी को कोई नया स्थान मिला है या कोई आर्टिस्ट की मृत्यु हुई है, तो उन सबको ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है और उस श्रृंखला का ये है पार्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कला क्षेत्र के से जुड़े हुए घटना चक्र पर महत्वपूर्ण प्रश्न, उसका भाग एक। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार सतीश गुजराल की मृत्यु किस वर्ष हुई? दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सतीश गुजराल जी से जुड़ा हुआ मैंने वीडियो बना दिया है कला यात्रा पर, उसमें उनके ऊपर प्रश्नोत्तर भी हैं, साथ ही अकबर पदम सिंह, ज्योत्सना भट्ट जी, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि इन तीनों कलाकार की हाल ही में मृत्यु हुई है। तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें, उनका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर है प्रश्न कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इसका आंसर है 2020, ऑप्शन सी है, 2020 में इनकी मृत्यु हुई है, 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जरीना हाशमी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जरीना हाशमी भारतीय अमेरिकन कलाकार थी, प्रिंट मेकर थी, और इनकी मृत्यु हुई ऑप्शन बी, लंदन में। यहाँ आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में इनकी मृत्यु हुई, और ये न्यूयॉर्क में रहती थी, न्यूयॉर्क बेस्ड कलाकार थी, और उनका जन्म हुआ था 1937 में अलीगढ़ में, और उनकी मृत्यु हुई 25 अप्रैल 2020 में लंदन में। याद रखिए, ये इंडियन अमेरिकन कलाकार थी, छापाकार थी, और ये न्यूयॉर्क में रहती थी। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव कौन हैं? तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव हैं ऑप्शन बी, यशवंत सिंह राठौर। ऑप्शन बी है इसका आंसर, यशवंत सिंह राठौर जी हैं राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन बी, सीताराम कश्यप। सीताराम कश्यप जी हैं वर्तमान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के। और याद रखिए, यूपी के जो कल्चर मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्री, वह हैं डॉक्टर नीलकांत तिवारी। डॉक्टर नीलकांत तिवारी हैं संस्कृति मंत्री, और ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सीताराम कश्यप। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव होता है ऑप्शन बी, मुंबई में। ये मुंबई में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, कि 2020 में ये हुआ था 1 से 9 जनवरी, मुंबई में तो होता है ये, लेकिन 1 से 9 जनवरी में हुआ था ये 2020 में। और जो 2021 में हुआ था वो हुआ था 6 से 14 फरवरी, दोनों वर्ष का बता दिया है मैंने, कि 2020 में जो हुआ था वो हुआ था 1 से 9 जनवरी, और 2021 में जो हुआ वो हुआ 6 से 14 फरवरी में, काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। अगला प्रश्न है, अंजुम सिंह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? ये इनका असली करंट अफेयर बनता है, क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है, कैंसर से पीड़ित थी हैं, और ये थी प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और प्रसिद्ध भारतीय कलाकार परमजीत सिंह और अर्पिता सिंह जी की बेटी थी है, और इनकी हाल ही में नवंबर 2020 में मृत्यु हो गई, और ये थी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो ज्योत्सना भट्ट जी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आप जरूर देखें, उसमें पूरा डिटेल है, इनकी शिक्षा, इन्हें कहाँ पर पढ़ाया, इनके मुख्य काम, उनके फोटो भी सब
मैंने उसमें दिया है, और एक प्रश्नोत्तर का वीडियो अलग फोल्डर है, वो भी आप जरूर देखें। इनकी मृत्यु हुई है 2020 में, बड़ौदा में इनकी मृत्यु हुई 2020 में, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मैंने आपको बताया था अभी, इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में, और इनका वीडियो भी पूरा बनाया हुआ है मैंने, उसमें इनके मुख्य चित्र भी बताए हैं और बाकी इनकी कला यात्रा का पूरा विस्तृत विवरण है, वो जरूर देखें। इनकी मृत्यु हुई थी 2020 में, अभी मैंने आपको बताया, 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो ज्योत्सना भट्ट जी जो थी भारत की प्रसिद्ध सिरेमिक आर्टिस्ट थी, ऑप्शन सी, पॉटरी भी लिखा आ सकता है, पॉटरी या सिरेमिक, ये दोनों काम करती थी, एक ही चीज़ है, और भारत की प्रसिद्ध सिरेमिक आर्टिस्ट थी ज्योत्सना भट्ट जी, और बड़ौदा में इनका देहांत हो गया 2020 में। अगला प्रश्न है, अकबर पद्मसी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो अकबर प्रसिद्ध कलाकार हैं, अकबर पद्मसी जी, इनकी मृत्यु हुई कोयम्बटूर में, ऑप्शन ए है इसका आंसर, और इनके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, एक प्रश्न का वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। अगला प्रश्न है, अकबर पद्मसी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 2020 कोयम्बटूर में, आंसर है 2020, डेट बता दूं मैं आपको, 6 जनवरी 2020 कोयम्बटूर में इनकी मृत्यु हुई। ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार थे और उनके ऊपर वीडियो जरूर देखें आप, प्रश्न का वीडियो अलग है और कला यात्रा का वीडियो उनका अलग बनाया है मैंने। अगला प्रश्न है, अंजुम सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2020 में हुई थी, नवंबर 2020 में इनकी मृत्यु हुई, अंजुम सिंह की प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थी। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट कहाँ कला शिक्षक थी? तो ज्योत्सना भट्ट जी जो थी वो बड़ौदा में पढ़ाती थी, सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में, ऑप्शन ए, मूर्ति कला विभाग में थी ये हेड बड़ौदा में, आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, कृष्ण रेड्डी की ख्याति किस क्षेत्र में थी? कृष्ण रेड्डी जी के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, कला यात्रा का अलग और उनके ऊपर प्रश्नोत्तर का अलग, वो दोनों फोल्डर में आप जरूर जाके देखें। ये थे भारत के प्रसिद्ध छापाकार, छापा कला में इनकी ख्याति थी, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी की मृत्यु कहाँ हुई? तो कृष्ण रेड्डी जी की मृत्यु हुई न्यूयॉर्क में, ये न्यूयॉर्क में रहते थे, ऑप्शन सी है इसका आंसर, न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर पद्मसी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष मैंने बताया 2020, और मैं आपको डेट भी बताई थी, इनकी हुई थी मृत्यु 6 जनवरी 2020 कोयम्बटूर में, जनवरी 2020, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर पद्मसी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1928 मुंबई में, 12 अप्रैल 1928 मुंबई में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान, झेलम पाकिस्तान में, ऑप्शन ए है इसका आंसर, तब वो भारत का हिस्सा था, अब वो फिर बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शेर सिंह कुक्कल, इनकी हालिया मृत्यु हो गई, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इनकी प्रसिद्धि थी मूर्ति कला में, ऑप्शन डी है इसका आंसर, शेर सिंह कुक्कल इनकी हाल ही मृत्यु हो गई, ये मूर्ति कला में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, शेर सिंह कुक्कल ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने अपनी कला शिक्षा प्राप्त की थी क्वींस कॉलेज लखनऊ से, ऑप्शन ए है इसका आंसर, लखनऊ, क्वींस कॉलेज लखनऊ से इन्होंने अपनी कला शिक्षा प्राप्त की थी, इन्हें वहाँ स्वर्ण पदक मिला था, और ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो दोस्तों, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही के घटनाचक्र से जुड़े हुए और कला क्षेत्र से हैं ये प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।